नमस्कार, विभिन्न दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, कोई हताहत नहीं। पटना से दिल्ली आ रही एक एयर एम्बुलेंस C390 नजफगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। एकाध व्यक्ति को मामूली चोट लगने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर एम्बुलेंस के दोनों इंजन फेल होने के बाद पायलट ने समझदारी दिखाते हुए एम्बुलेंस की लैंडिंग एक गाँव में करा दी, जिसके चलते सबकी जान बच गई। कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के महाराजा बाजार इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान कश्मीर घाटी में जैश कमांडर सैफुल्ला के रूप में हुई है। दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आतंकी रिहायशी इलाके में एक मकान के अंदर छुपे हुए थे। मुल्ला अख्तर मंसूर बना रहा था अमेरिकी केंद्रों पर हमले की योजना। अमेरिका के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंसूर काबुल में अमेरिकी केंद्रों पर हमले की योजना बना रहा था। इस कारण राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उसे ड्रोन हमले में मारने की स्वीकृति दी थी। पेंटागन प्रवक्ता कैप्टन जेफ डेविस ने बताया कि मुल्ला अख्तर मंसूर की योजना काबुल में अमेरिकी केंद्रों तथा अफगानिस्तानी सेना पर हमले की थी, इस कारण उसे ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना से अमेरिका को यह उम्मीद है कि पाकिस्तान अब अपनी यह रट भी छोड़ देगा कि तालिबान आतंकवादी के क्षेत्र में नहीं है। नीट अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को चीन दौरे पर रवाना होने से पहले नीट अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से पूछा था कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमति जताने के बाद अब सरकार इस मामले में पलटी मार रही है। राष्ट्रपति को दी सलाह में अटॉर्नी जनरल ने सरकार के अध्यादेश पर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि प्रबंधन कोटे के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का एडमिशन नीट के जरिए ही होगा। मोदी ने खुमैनी को भेंट की दुर्लभ कुरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खुमैनी को 7वीं सदी की एक दुर्लभ कुरान भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी को मिर्जा गालिब की रचनाओं का एक संग्रह भी भेंट किया। उन्होंने साथ ही रूहानी को फारसी भाषा में अनुवादित सुमेर चंद की ओर से लिखी गई रामायण की कॉपी भी भेंट की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पंचतंत्र की फारसी में अनुवादित कॉपी जारी की, जिसमें भारत और ईरान के बीच के सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया गया है। ये सब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।